तो चलिए अब आगे बात मौसम की कर लेते हैं। तो शिमला में इन दिनों मौसम जो है वो गुलजार है। यही नतीजा है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए होटलों में एडवांस बुकिंग की शुरुआत हो गई है। भारी संख्या में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं, जिससे होटल मालिकों और कारोबारियों के जो चेहरे हैं वो खिल उठे हैं। ये घुड़सवारी, ये चहलकदमी पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का नतीजा है, जिसके बाद लगातार सैलानी पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। कुछ परिवार के साथ तो कुछ दोस्तों के साथ हर कोई इन हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहा है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से होटल कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। होटलों की ऑक्यूपेंसी 90% तक पहुंच गई है। शिमला की बात करें तो यहाँ हमारी जो ऑक्यूपेंसी है, हम अपने होटल की बात करें तो अभी 1995 की परसेंटेज जा रही है, और अभी जो दिसंबर का जो सीजन आगे आना है उसके लिए हमारा अभी से ही एडवांस बुकिंग जो है वो 70% के करीब आ चुकी है। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। शिमला के अलावा कुफरी, नारकंडा, मशोबरा और नाल देहरा के होटलों की एडवांस बुकिंग में भी तेजी आई है। सैलानियों को लुभाने के लिए एडवांस बुकिंग पर 20-30% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इस बार जो है बर्फबारी भी कुछ ज्यादा आसार होने के चांसेस है, और अब कारोबार बढ़ने के भी अभी जो भी है वो संभावना ज्यादा है। शिमला में सैलानियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबार को फिर नई रफ्तार मिलेगी, और इन स्थानीय कारोबारियों के चेहरे की रंगत इस मौसम की तरह हसीन होगी। शिमला से विकास शर्मा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।